नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आज मैं आपको ये फिलिप्स का VC है जो कि फिलिप्स कंपनी के रेडियो में लगा हुआ रहता है, इसको देख ले ये किस मॉडल का दिखता है। तो यहाँ पे SSI लिखा हुआ है और यहाँ पे A10K लिखा हुआ है और यहाँ पे 10-18 इसका नंबर जो भी हो इसका दिया हुआ है। तो आपको इसी तरह का जो भी मॉडल आपको दिखे तो आपको ये फिलिप्स कंपनी के रेडियो में लगा हुआ था, तो आपको फिलिप्स कहीं भी लिखा हुआ नहीं आएगा, इसी मॉडल से आपको पहचानने होंगे कि ये फिलिप्स का वॉल्यूम है। और ये जो है लोकल कोई भी ब्रांड में ये प्रयोग किया जाता है और भी बहुत सारे मॉडल के VC लगाए रहते हैं और ये ओनली सिर्फ फिलिप्स में लगी हुई रहती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस VC के अंदर क्या है वो मैं इस वीडियो में आपको इसको खोल के दिखाऊंगा। तो वीडियो लास्ट टाइम तक देखें और मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और जो पहले से सब्सक्राइब कर रखे उसके लिए मुझे धन्यवाद आपको देते हैं हम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसको खोलूँगा, बहुत सावधानी से मैं खोल रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ से और यहाँ इसकी जो है एक पट्टी बनी हुई है और यहाँ बीच वाला पोर्शन जो है वो यहाँ इसकी बनी हुई है। तो इसकी जो सेटिंग है तो यहाँ से इसकी पॉइंट जहाँ भी मिलती हो तो ये बीच वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ आपको मिलते, जितने पर यहाँ एडजस्ट होते हैं उतनी साउंड आपको सुनाई देते हैं, उस हिसाब से इसका पर्टिकुलर यहाँ बना हुआ है। देख लेते हैं यहाँ पे इसके अंदर जो है ऑन ऑफ स्विच बनी हुई है, तो इसको खोल के देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये दोनों पॉइंट को जोड़ने का काम करता है, जिससे यहाँ ऑन ऑफ की लगी रहती है। ये देख सकते हैं कि क्या होता है, यहाँ एक पॉइंट में सरते हैं और ये इस पोर्शन चाले में दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ के ये एक कॉलम का काम करता है। तो किसी किसी में यहाँ पे स्क्रीन भी लगा हुआ रहता है, लेकिन इनमें स्क्रीन नहीं है, अंदर हो सके लगा हुआ हो। यहाँ स्क्रीन लगा हुआ है तो इस हिसाब से इसकी जो है VC बनी रहती है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो लास्ट टाइम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।